आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, ये डोसा वड़ा और अन्य दक्षिण भारतीय रेसिपीज़ के लिए भी परफेक्ट है। जी हाँ फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इडली के लिए एक बहुत ही चटपटी और तीखी तीखी चटनी की रेसिपी। ये चटनी इतनी टेस्टी आसान है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, तो देर किस बात की भाई, चलिए शुरू करते हैं। खट्टा हम एक मिक्सी का जार ऐसे ले लें, इसमें हम डाल देंगे दही आधा कटोरी, साथ में हम डाल देंगे आधा कटोरी चने, भुने हुए काले चने हैं, छिलके निकाल कर डाल दें, स्वाद के अनुसार काला नमक, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां मैं ले रही हूँ और थोड़ी सी ओरिगेनो लीव्स ले रही हूँ। ये ओरिगेनो लीव्स जो है मेरे गमले की लगी हुई है मेरे घर में, और ये काफ़ी हेल्दी होती है, इसे कई रेसिपीज़ में भी हम इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह में भी। यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च को ऐसे बड़े बड़े पीस में कट करके डाल दें, 8 से 10 जावे लहसुन के डाल दें और 1 चाय का चम्मच जीरा डाल देंगे। आधा कटोरी इसमें हम डाल देंगे डेसिकेटेड नारियल, ढक्कन को लगा देंगे, इसे हम पीसेंगे। इसमें जो दही है ना मॉइस्चर, तो इसकी वजह से पीस जाएगी, अगर लगा तो थोड़ा सा पानी बीच में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चटनी को मैंने पीस लिया है, ये बढ़िया से पीस गई है, इसे हम एक बाउल में पलट लेंगे, एक कांच के बाउल में इसे हम पलट लेंगे चटनी को। ये चटनी प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, ये इडली के लिए एक टेस्टी और पौष्टिक टॉपिंग है। बची हुई चटनी को एयर टाइट कंटेनर में 3 से 4 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं हमेशा यहाँ मौजूद हूँ। धन्यवाद।